चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। एक एक कैपेसिटर है आपके पास, चलो एक एक कैपेसिटर है, उसको हमने खूब चार्ज कर लिया जी भर के, जितना हमारा चार्ज करने का मन करता था। तो उस पर जो चार्ज है वो 4 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। दिस इज द चार्ज 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड 4×10⁻⁶ फेरेड, दिस इज द चार्ज। एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज प्लेटों के बीच 400 वोल्ट है, प्लेट्स प्लस माइनस ये कैपेसिटर है। अब कहता है इफ प्लेट आर ज्वाइंट टू रेजिस्टेंस, इन प्लेट्स को मैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ। चलो कनेक्ट कर देते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से इसके प्लेट्स मैंने कनेक्ट कर दिया, दिस इज आर, ठीक है। तो ये जो है वो 2 kΩ पे हमने कनेक्ट कर दिया। देन द हीट प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, तो इस रेजिस्टेंस में हीट प्रोड्यूस होगी I²RT, टी टाइम बाद व्हाट इवर जो भी हीट प्रोड्यूस होगी इसकी वैल्यू। और ये लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से ये जो हीट है एनर्जी वो आएगी कहाँ से यार? जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा, आप पढ़े होंगे और अच्छे से, अगर थोड़ा और डिटेल में अगर आपको पढ़ाया होगा, तो कैपेसिटर जब कभी भी रजिस्टर से कनेक्ट होगा और अगर फुली चार्ज है तो वो स्लोली डिस्चार्ज होता है, ठीक है, और बहुत लंबे टाइम बाद कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वही तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये फार्मूला हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल टू हीट एनर्जी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो वो इसकी डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज होने के बाद देख लेते हैं इसमें कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर थी। तो ½CV² स्टोर थी, तो ½C कैपेसिटी कितनी इसकी, बोलो प्यारे बच्चों। यहाँ से कैपेसिटी दिया हुआ है, ये 4 माइक्रो, ये चार्ज नहीं है बच्चों, ये 4 माइक्रोफेरेड ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, सी है, तो मैं गलती से लिख दिया था। तो कैपेसिटेंस 4×10⁻⁶ और पोटेंशियल डिफरेंस इसके प्लेटों के क्रॉस 400, तो ये दो जीरो से दो जीरो यहाँ कम हो गया और ये 2² है ना यार, ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2 times, तो ये 2×10⁻⁶ और ये स्क्वायर है, तो ये 16 × ये 4 times 0, तो 4 0 इसमें कर गया, मतलब 32×10⁻², मतलब ये 0.32 जूल, दैट इज द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच एनर्जी स्टोर थी इतनी इलेक्ट्रिकल, जैसे ही कनेक्ट करोगे डिस्चार्ज होगी, डिस्चार्ज होने के बाद सारी की सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और वही हीट एनर्जी ये होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन से दिस एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू हीट एनर्जी जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस, मतलब ये हुआ 0.32 वोल्ट। तो इस पे डिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है। चलो कहता है एक वायर है 50 cm long, 1 meter cross